दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट गवर्नमेंट जॉब पे, जहां मिलते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब के लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में स्टेट सर्विस की रिक्रूटमेंट निकली है, जिसकी लास्ट डेट है 5 जनवरी, और उसके लिए पोस्ट 160 और एज लिमिट है 21 से 38। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे भी आपको गवर्नमेंट जॉब के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। साथ ही सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करें, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब चलते हैं इस पोस्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट डेट्स पर। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 1 अक्टूबर को, और फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे 7 दिसंबर को, और इसके लिए जो लास्ट डेट है वह है 5 जनवरी 2019, और फीस पे करने की लास्ट डेट भी 5 जनवरी 2019 है। और आप इसका ऑनलाइन अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में तो उसका करेक्शन कर सकते हो 8 से 4 जनवरी 2019 के बीच में। और जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो 17 फरवरी को होगा, और होगा मेन का होगा वो होगा 21 से 24 जून के बीच में। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी के हैं और अदर स्टेट के हैं उनको 400 रुपये लगेंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी होते हैं आरक्षण होता है उनको उनके 300 रुपये लगेंगे। और जैसे कि आप फॉर्म गलत भरती है उसको करेक्ट करते हैं तो करेक्शन चार्ज होगा 15 रुपीज़। दोस्तों, आप फी का पेमेंट बाई कैश भी कर सकते हैं, और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं, आप कियोस्क के माध्यम से भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल की। जो स्टेट सिविल सर्विसेज है उसमें जनरल के लिए 1, SC के लिए 0, ST के लिए 2, OBC के लिए 0 और बैकलॉग के 0 हैं, तो टोटल 3 पोस्ट हैं। उसके बाद करते हैं स्टेट पुलिस सर्विसेज की, जिसमें जनरल के लिए 4, SC के लिए 2, ST के लिए 2, OBC के लिए 1, बैकलॉग 0, टोटल 9 पोस्ट हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टेट अकाउंट सर्विसेज की, जनरल में 4, SC में 1, ST में 3, OBC में 1, बैकलॉग 3, टोटल 12 हैं। वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट की बात करें तो जनरल में 2, SC में 0, ST में 1, OBC में 0, बैकलॉग 0, टोटल 3 पोस्ट हैं। वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट फाइटर सिटी सर्विस की बात करें तो जनरल में 1 है और सब में 0, टोटल 1 है। अगर कॉमर्स सेल टैक्स ऑफिसर की बात करें तो जनरल में 3, SC में 1, ST में 2, OBC में 1, बैकलॉग 0, टोटल 7 पोस्ट हैं। वहीं अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करें तो कोऑपरेटिव में जनरल में 1 है, सब में 0, टोटल 1 है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस की बात करें तो जनरल में 7, SC में 2, ST में 5, OBC में 3, बैकलॉग 22 है, टोटल 42 पोस्ट है। वहीं अगर इंस्पेक्टर कॉमर्शियल टैक्स की बात करें जनरल में 7, SC में 5, ST में 12, OBC में 6, टोटल 40 पोस्ट है। वहीं अगर इंस्पेक्टर एक्साइज की बात करें तो जनरल में 3, SC में सॉरी जनरल में 9, SC में 3, ST में 7, OBC में 3 है, बैकलॉग 0, टोटल 22 हैं। वहीं अगर रजिस्ट्रार की बात करें तो डिप्टी रजिस्ट्रार की तो जनरल में 2 हैं, उसके बाद ST में 1 है, OBC में 1, बैकलॉग 1, टोटल 5 है। वहीं अगर असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की बात करें तो जनरल में 5, SC में 2, ST में 5, OBC में 0 और टोटल 14 पोस्ट हैं। अब बात करते हैं योग्यता की। तो इसके लिए आपको बैचलर की डिग्री होना अनिवार्य, मतलब स्नातक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंडिया की से। और एज लिमिट है जिसकी गणना 1 जनवरी 2018 के हिसाब से की जाएगी, उसके लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 21 से 28 के बीच में, जो पुलिस की पोस्ट के लिए है, और 21 से 38 के लिए जो अदर पोस्ट हैं उनके लिए। और जो छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं उनके लिए आरक्षण के हिसाब से जो एज में छूट है वो अलग से मान्य होगी। तो अब बात करते हैं सैलरी की। जो सिविल सर्विसेज, स्टेट पुलिस सर्विस, अकाउंट सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट फाइटर, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इन सब की सैलरी होगी 56,100 रुपीज़, जो कि लेवल 12 के हिसाब से होगी। अगर छत्तीसगढ़ सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस की बात करें तो 38,100 रुपीज़ लेवल 9 के हिसाब से। इंस्पेक्टर कॉमर्शियल टैक्स की बात करें 28,700 लेवल 7 के हिसाब से। वहीं अगर इंस्पेक्टर एक्साइज की बात करें तो 28,700 लेवल 7 के हिसाब से। डिप्टी रजिस्ट्रार की 28,700 लेवल 7 के हिसाब से। वहीं अगर असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की बात करें 25,300 लेवल 6 के हिसाब से है। करते हैं शारीरिक मापदंड की। जो उप अधीक्षक पुलिस होंगे उनके लिए जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है।
चेस्ट 84 से 89, 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए। वहीं अगर जिला सनाने की बात करें तो बस 65 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है इसमें, और जो चेस्ट होगा वो 84 से 89 होगा। वहीं अगर अधिशक जिला जिले की बात करें तो 168 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल की 155 और चेस्ट वही है 84 से 89 सेंटीमीटर। बात करते हैं जिला अधीक्षक जिला अबकारी की, और इनके लिए हाइट 163 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 163, चेस्ट 79 से 84, मिनिमम 5 फुली होनी चाहिए। और आबकारी उप निरीक्षक की 165 हाइट है, फीमेल के लिए 155.4 सेंटीमीटर। वहीं अगर चेस्ट की बात करें मेल के लिए तो 81 से 86। वहीं अगर सहायक जिला अधीक्षक की बात करें तो 1.65 मीटर हाइट होनी चाहिए, 1.58 फीमेल की हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट है 0.80 मीटर होना चाहिए। परिवहन उप निरीक्षक की बात करें तो उनकी हाइट 165 और चेस्ट है 81.50 सेंटीमीटर। वहीं अगर सहायक जिला की बात करें तो हाइट 1.65 मीटर और जो चेस्ट है वो है 0.80 मीटर होनी चाहिए। करते हैं रिटन पेपर की, जो दो एग्ज़ाम होंगे, एक होगा प्री एक होगा मेन। जो प्री एग्ज़ाम है वो 2 घंटे की होगी और उसमें 2 पेपर होंगे, और जो दोनों की होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, जिसमें प्रत्येक में 5 विकल्प होंगे और नेगेटिव आंसर देने पे आपके अंक काट लिए जाएंगे। जो प्रश्न पहला प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य धन का होगा, 100 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे का समय होगा, और गलत आंसर के लिए उसमें 1/3 अंक काट दिए जाएंगे। वहीं अगर सेकंड पेपर की बात करें तो जो कि योग्यता परीक्षा होगी, उसमें भी 100 सवाल होंगे, 200 नंबर के और 2 घंटे का टाइम होगा, और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब गलत जवाब देने पर आपके 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। हम बात करते हैं प्रथम पेपर की, उससे पहले बात करते हैं न्यूनतम अर्हता की, जिसमें प्रत्येक पेपर में कम से कम जनरल जो कैंडिडेट होते हैं उनको 33% मार्क्स चाहिए, और जो आरक्षित होते हैं या दिव्यांग होते हैं उनको 23% चाहिए। जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा योग्यता परीक्षा का, वह अधिकारी प्रकृति का, मतलब पास होना अनिवार्य होगा, और इस प्रश्न पत्र में जो अंक होंगे वो आपके मेन एग्जाम में नहीं जोड़े जाएंगे। और जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा सामान्य दिन का, उसको सूची के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, और जो मेन परीक्षा होगी और जो इंटरव्यू होगा उसका सिलेबस आपको बाद में बताया जाएगा। अभी बात करते हैं प्री एग्ज़ाम के सिलेबस की, तो पहला प्रश्न पत्र होगा सामान्य दिन का, उसमें 100 सवाल होंगे, 200 नंबर के और 2 घंटे का टाइम होगा, उसमें 2 भाग होंगे, भाग एक तथा भाग दो में दोनों 50-50 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे और प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक दिए जाएंगे और गलत पर आपको 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। पहला भाग होगा सामान्य दिन का, उसमें आएगा आपका भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उसके बाद आएगा भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, उसके बाद आएगा समसामयिक घटना जो करंट है वो, और स्पोर्ट्स, उसके बाद आपका पर्यावरण आएगा। उसके बाद अगर भाग दो की बात करें उसमें आएगा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का इतिहास आएगा, स्वतंत्रता आंदोलन आएंगे, छत्तीसगढ़ का योगदान आएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातत्विक एवं पर्यटन क्षेत्र आएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनुला, मुहावरे होना, मुहावरा मतलब मुहावरे और लोकतियाँ, उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएँ, तीज त्यौहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायतराज, उद्योग, ऊर्जा, कला संसाधन, छत्तीसगढ़ की जो करंट है वो आएगी। उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा वो होगा योग्यता परीक्षा का, उसमें भी सेम आपके 100 सवाल आएंगे, 200 नंबर के, 2 घंटे का टाइम होगा, प्रत्येक सवाल 2 नंबर के होंगे, सही पे 2 नंबर दिए जाएंगे और गलत पे 1/3 काट लिए जाएंगे। उसमें आएगा आपका संचार कौशल, सहित जो पारस्परिक कौशल वो आएगा, तार्किक तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता आएगा, निर्णय निर्माण एवं समस्या निवारण आएगा, उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता, उसके बाद संख्यात्मक मतलब मैथ भी आएगी, उसमें सामान्य गणित कौशल जैसे कि जो जिसका लेवल कक्षा 10 का होगा, उसके बाद आंकड़ों की व्याख्या आएगी, चार्ट, रेखाकरण, तालिका, आंकड़ों की प्रपत्र इत्यादि, इसका स्तर कक्षा 10 के हिसाब से होगा। और इसके बाद हिंदी भाषा, उसका भी लेवल क्लास 10 के हिसाब से होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी भाषा ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ी भाषा संबंधित प्रश्न उसी भाषा में होंगे, उनका अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी आपकी छत्तीसगढ़ प्रशासन सेवा में जो वैकेंसी निकली उनकी डिटेल। दोस्तों कमेंट करके बस बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।